साईं बाबा ने शिरडी को महामारी से बचाया। सामान्य रोग बुखार या बीमारी के लिए औषधि काम आती है, लेकिन महामारी के लिए नहीं। भारत प्राचीन काल से ही अपने लोगों को महामारी से बचाने के चार तरीके अपना रहा है। महामारी से बचने का पहला प्राचीन तरीका यह था कि जैसे ही लोगों को किसी महामारी के फैलने का पता चलता तो वे लोग अपने संपूर्ण शरीर पर ही कड़वी औषधि, नीम, राख आदि जैसे पदार्थ छुपड़ लेते थे। दूसरा यह कि हर गांव में सभी मिलकर हवन करते थे। तीसरा यह कि वहां के स्वस्थ लोग गांव छोड़कर सुरक्षित स्थान पर चले जाते थे। यह तब होता था जबकि जनपद ध्वंस हो रहा हो। और चौथा तरीका यह कि लोग अपने गांव को अन्य गांवों से अलग करके खुद को अकेला अर्थात क्वारंटाइन कर लेते थे। 100 साल पहले शिरडी के साईं बाबा ने चौथे तरीके को बहुत ही सरल तरीके से आजमाया था। साईं बाबा के काल में हैजा नामक खतरनाक बीमारी फैली थी जिससे लाखों लोग मारे गए थे, लेकिन बाबा ने अपनी शिरडी के लोगों को बचा लिया था। साईं बाबा के पास लोग गए और उन्होंने उनसे निवेदन किया। साईं बाबा उस समय कई सप्ताह से मौन पर थे और उन्होंने खाना पीना भी छोड़ रखा था। कहते हैं कि अचानक उन्होंने अपनी घट्टी में गेहूं पीसना शुरू कर दिया। यह देख लोग उनसे पूछने लगे, यह क्या कर रहे हो साईं? लेकिन बाबा ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ महिलाओं ने कहा कि हम पीस देते हैं और उन्होंने बाबा को हटा के खुद ही गेहूं पीसना शुरू कर दिया। पहले तो बाबा क्रोधित हुए, लेकिन बाद में उन्होंने ऐसा करने दिया। गेहूं पीसते वक्त महिलाएं सोचने लगी कि बाबा का तो कोई घरबार नहीं है, वे तो भिक्षा प्राप्त करके अपना गुजारा करते हैं, फिर बायजामाई ही उनके लिए खाना ले आती है, तो उन्हें इतने आटे की क्या ज़रूरत। बाबा तो परम दयालु है, हो सकता है कि वे यह सारा आटा हमें विचरण कर दे। सारा गेहूँ पीसने के बाद उन महिलाओं ने आटे के चार हिस्से किए और अपने अपने हिस्से का आटा ले जाने लगी। तभी साईं बाबा ने उन्हें रोकते हुए कहा कि ये आटा ले जाकर तुम गांव की सीमा पर बिखेर दो। कहते हैं कि सारी महिलाओं ने गांव की चारों दिशाओं में आटा बिखेर दिया, अर्थात उन्होंने उस आटे से गांव के चारों ओर एक लकीर खींच दी। यह भी कहा जाता है कि सभी को तब हिदायत दी गई कि कोई भी इससे बाहर नहीं जाएगा और किसी को भीतर नहीं आने देना है। इससे गांव में फैली बीमारी भी ठीक हुई और जब महामारी का प्रकोप समाप्त हो गया तब गांव के सभी लोग सुखी हो गए। इस तरह बाबा ने शिरडी के लोगों को महामारी से बचाया था। उस समय किसी को भी बाबा की वो लीला समझ नहीं आई, मगर उसके बाद उसी बिखरे आटे से ही गांव में फैली हैजा बीमारी का इलाज हुआ और पूरा गांव महामारी मुक्त हो गया। तब जाकर सभी को बाबा की लीला का आभास हुआ। साईं बाबा ने अपने जीवन काल में कई ऐसी लीलाएं की, कई अद्भुत चमत्कार किए, जिनकी वजह से लोगों के कष्ट हमेशा के लिए खत्म हो गए थे। ॐ साई।